भरे रहते थे, तो वहाँ तो गोपियों को कोई अवसर नहीं मिलता था कि वे श्याम सुंदर पर देख भी सके। अवसर मिलता था जमुना जी के किनारे, श्याम सुंदर जाते थे, कहते थे कि हम बलराम जी जो रहे होंगे, नंद बाबा जो होते होंगे, मैं जल्दी जा रहा हूँ, गाय धोवाना है, ये करना है। तो गोपियाँ कहती नहीं बैठो, जमुना जी के तट पर बैठो, बात करो। तो अब श्री कृष्ण को बैठना पड़ता था। इसकी भी याद करके राधा रानी कहती हैं कि बसन जमुना कुल कहीं हूँ ना, वहाँ से तात्पर्य, मैं जमुना तट पर बैठने के लिए आपसे नहीं कहूँगी। अर्थात जमुना तट की याद करके और मेरे साथ बैठने के लिए आप अवश्य आ जाइए, ये कह नहीं रही हैं, लेकिन कहने का भाव यही है। कहीं हूँ न चरणन देन जावक घुन बेनी फूल, कहीं हूँ न करण श्रृंगार बट तर बसन जमुना कुल। जमुना किनारे बैठने के लिए नहीं कहूँ। और अब ये याद करें कि रासलीला में प्रियतम को बहुत परिश्रम हुआ था रोज रोज, तो कहने अब रासलीला नहीं कराऊंगी, आपको नाचने के लिए नहीं कहूँगी। भुज भूषण जुत कंध धरी के दास नृत्य न करा, भुज भूषण जुत, मेरे भुजा में बाह में अनेक भूषण रहते थे, चूड़ियाँ रहती थी क्या क्या, और इनसे मैं श्री कृष्ण का कंठ पकड़ करके साथ में नाचती थी और नचाती थी। तो हे प्रियतम, अब भूषण युक्त अपने भुजाओं को आपके कंध पर रख करके मैं आपसे नृत्य नहीं कराऊंगी, रास नृत्य न कराऊंगी, रासलीला नहीं कराऊंगी, हम बस आराम से खाइए पीजिएगा नाचिएगा मत। अद्भुत ये उक्ति है। और हों संकेत निकुंज बसी के दूती मुख न बुलाऊं, और संकेत वन में जहाँ संकेत गांव है, मैं संकेत वन में बैठ करके और दूती भेज करके ललिता को या विशाखा आदि किसी को भेज करके आपको बुलाऊंगी नहीं। राधा रानी भेजती थी दूती और बुलाती थी, तो ये भावना करेंगे शायद कृष्ण को आने में बहुत परिश्रम हुआ, पैदल ही आना था ना, कोई मोटरसाइकिल और कार तो थी नहीं, तो परिश्रम पड़ता था श्री कृष्ण को आने में, उनके हिसाब से राधा रानी के हिसाब से भाव से। तो अभी मैं संकेत निकुंज में, संकेत का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का मिलन स्थल, संकेत बिहारी हैं राधा रमण जी, संकेत गांव में, नंदगांव बरसाने के बीच में पड़ता है संकेत। तो संकेत का अर्थ है समय संकेत निकेतन वैसल पुनित तो ही बोला, संकेत का अर्थ है स्त्री पुरुष के प्रिया प्रियतम के मिलने का स्थान, संकेत का अर्थ है ये नहीं होता है कुछ इशारा, इसका यह अर्थ नहीं है संकेत। तो ऐसे स्थान पर संकेत बल में मैं दूती मुख न बुलाऊं, दूती को भेज करके मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। ये सब गलत लीलाएँ हैं, इसको श्री गोपी जान और विशेष करके श्री राधा रानी एक अपराध की भावना करके कृष्ण से व्यक्त कर रहे हैं, जबकि ये कृष्ण का सौभाग्य था, कृष्ण अपना सौभाग्य मान करके ये सब कार्य करते थे, गोचराना या राधा रानी का श्रृंगार करना, और अपने आनंद में वे दही लूटते थे, माखन मांगते थे। गोपियाँ जब यशोदा जी से शिकायत करने जाती थी तो श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते थे,
पर अब इन सब कामों को अपराध मान करके गोपियाँ कह रहे हैं कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, आप अवश्य आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, न चरण में गिर कर मनाना पड़ेगा, न श्रृंगार करना पड़ेगा, न रासलीला करनी पड़ेगी, तो अवश्य आप आइए। राधा रानी कहती हैं, एक बार जो दर्श दिखवाऊ प्रीति पंथ बसाए, चंवर करो चढ़ाए आसन नयन अंगन लाए। हे प्रियतम, आप एक बार ब्रज में आ जाइए, मैं आपको आसन पर बैठा करके आप चामर डुलाऊंगी, पंखा डुलाऊंगी, और मैं नयन अंगन लाए, मैं पूरे नेत्र से आपको देखूंगी, दर्शन करूंगी, अपने शरीर से आपकी सेवा करूंगी, जो भी सेवा है मैं साथ आपकी सेवा में समस्त देह को लगाऊंगी, भोजन बनाना और पाद संवाहन आदि करना, ये सब सेवा करूंगी, लेकिन आप एक बार आइए। एक बार जो दर्श देखवाऊं प्रीति पंथ बसाए, चंवर करो चढ़ाए आसन, नया नया देहूं दर्शन नंद नंदन, देहूं दर्शन मिला नहीं की आस, सूर प्रभु की कुंवर छवि को, सूर प्रभु की कुंवर छवि को, मरत लोचन प्यास, हे नंदनंदन एक बार आइए, केवल दर्शन की लालसा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि प्रभु की कुंवर छवि पर, श्री कृष्ण की बाल छवि पर मरत लोचन प्यास, हमारे नेत्र प्यास से, दर्शन की लालसा से मर रहे हैं, मरत लोचन प्यास। फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ। ये राधा रानी का ही खास उद्गार है यह पद, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ। फिर पृष्ठ 50 पर 124 पद है घनानंद जी का। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, छवि को सदन सीता चखनी लाल अवधों दिखाई हो, छवि का सदन लाल चटकिलो भेष करे चमटकिली भाति सोही, चटकिलो भेष भाति सोई, मुरली अधर धरे लटकत आई हो, मुरली
सुकाय नेहा मोचन निधि आनंद को घन बरसाई हो छवि को सदन छवि के आश्रय भवन छवि के भवन आप हे प्रियतम आप कब ब्रज में आएंगे और आकर के आनंद का घन बरसाएंगे। आपका स्वरूप सौंदर्य का आगार है और मोद मंडित बदन चंद परम सुंदर शरीर को और प्रसन्नता से मंडित बदन चंद्र को हमारे त्रिषित नेत्रों को प्यासे नेत्रों को हे लाल कबधों दिखाई हो। कब आकर के दिखाएंगे आप अपने परम सुंदर शरीर को और प्रसन्नता से सुघराई से मढ़े हुए बदन चंद्र को कब दिखाएंगे। हमारे लोचन प्यास से तड़प रहे हैं चखनी मन आँख चटक किलो भेष करे मटक किली भांति सोही। आप अपने चटकीले वेश में जो पहले यहाँ ब्रज में रहते थे और मटक किली भांति सोही चटक मटक इसको कहते हैं मुरली अधर धरे लटकत आई हो और मुरली को अधर पर रह करके और झूमते हुए गाते हुए कब आएंगे हमारे सामने। लटकत आई हो लटकत का अर्थ है कि टेढ़ी चाल से चलते हुए झूमते हुए आएंगे। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए आप आँखों से हम पर देखते हुए और हमको देख करके मुस्कुराते हुए नेह भीनी बतियानी स्नेह से सिक्त बात कब आप बोलेंगे। लड़काए बतराई हो हमसे कब आप बात करेंगे और लड़काए बतराए जैसे पुराने आदमी बात करते हैं सयाने आदमी वैसे नहीं। श्री कृष्ण लड़के हैं ही लड़के की तरह कुछ बोलना कुछ मुस्कुराना आधी बात बोलना फिर और कुछ दूसरी बात बोल देना लड़काए बतराई हो। विरह जरत जी जानी आनी प्राण प्यारे मैं विरह में जर रही हूँ इसको जान करके हे हमारे प्राण प्यारे हे कृपा के समुद्र कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो। आप हमारी दशा देख करके आनंद का घन बरसाएंगे हमें परम आनंद होगा। घन मन बादल भगवान कृष्ण को आनंद घन कहते हैं या घन आनंद और कवि का नाम भी है आनंद घन घनानंद। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद छवि को सदन छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद छवि को सदन मोद सीता चखनी लाल कबधों दिखाई हो। सीता तो हमारे नेत्र प्यासे हैं हे लाल आप कब अपने मुख को दिखाएंगे। श्री कृष्ण का एक नाम ही है लाल
और उसमें लाल जी लगाया जाता है, लाल जी। एकदम अगर लाल कहा जाए तो उसका अर्थ है श्री कृष्ण। बहुत प्रसिद्ध नाम है लाला या लाल जी, लाल जी जो बहुत प्रिय हो लालन करने जब उसको लाल कह। तो हे लाल आप कब अपने को दिखाएंगे। चटकी लो भेस करे मटकीली भांति सही, चटकीलो भेष का अर्थ है कि अपने ढंग का पोशाक आप अपने स्वयं ही पहनते हैं, ऐसा पोशाक कोई नहीं पहनता है। भेष वस्त्र तो पहनते ही हैं, पीताम्बर और कछनी काछे हुए, धोती लटका कर कभी ब्रज में नहीं पहने। और भगवान जैसे ये बिल्कुल सीधे साधे नहीं हैं, टेढ़े भगवान हैं, बांके बिहारी है। बांके मतलब टेढ़ा होता है, सब चीज में बांका, बोली भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुकुट भी टेढ़ा, खड़ा होना भी टेढ़ा। ये तो टेढ़े हैं भी, टेढ़ी राधा रानी, राधा रानी भी टेढ़ी है, उनकी बात अजीब निकलती है। गोपी सब टेढ़ी है, जमुना जी टेढ़ी है, वृंदावन धाम टेढ़ा है। इसको तो ये इनका चटकीला भेष है, जो भेष किसी के भी मन और आँख को हर लेगा। और मटकली भांति सोई, मटकली भांति, और मटकली भांति प्रकार क्या होगा आपके आने का, मटकते हुए न मटकी मारते हो, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, हंसना है। भगवान विष्णु और भगवान श्री राम बिल्कुल सीधे साधे चलते हैं, कोई स्त्री उनके नजर को ना पकड़ सके, सीधा चलते हैं। विशेष विशेष करके श्री राम तो इतने सीधे साधे हैं, इतने सज्जन हैं कि वे किसी के तरफ ऐसे देखते नहीं हैं, ऐसे आनंद में हंसते रहते हैं। वो तो आनंदमय है, आनंद में, लेकिन कोई स्पेशल किसी को देख करके मुस्कुराए में ऐसा नहीं करते हैं। पर श्री कृष्ण तो बिना इधर उधर देखे, बिना मुस्कुराहट के चलते ही नहीं हैं, टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं। इसीलिए बिहारी कवि बहुत एक जुक्ति बसाए हैं कि कृष्ण को कैसे हृदय में रखा जाए। तो एक पद लिखे हैं, दोहा, करौ कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल। हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन की साध यही है कि मैं आपको अपने हृदय में बसा लूं, और मैं जानता हूं कि आप तीन जगह से टेढ़े हैं, अतः मैं अपने हृदय को सीधा नहीं कर रहा हूं। भले दुनिया हमारी निंदा करे, कुछ भी करे, मैं अपने हृदय को टेढ़ा रखा हूं। टेढ़ा का अर्थ है कि इसमें अज्ञान है, कुछ है, दोष भरा हुआ है, अंधकार भी है, तमोगुण है। तो मैं जब से सुना हूँ कि आप टेढ़े हैं, तो मैं हृदय को भी टेढ़ा किया हूँ। एक टेढ़ा का अर्थ हुआ ऐसे बेंड, झुका हुआ, लेकिन इस टेढ़े हृदय का मतलब है पाप से भर करके रखा हूँ, कपटी हूँ, ये हूँ। तो जब मैं ये सोचा कि टेढ़े हृदय में टेढ़े कृष्ण को बैठा लूँगा, सीधा हृदय में तो आप अटेंगे ही नहीं, कैसे अटेंगे, तिरछी वस्तु है, टेढ़ी है, तो सीधा में कैसे अटेंगे। दुखी होगे बसत ही है। करो कुबत जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे बसत ही है। कैसे हैं दुखी होगे, त्रिभंगी लाल, आप त्रिभंगी लाल हैं, मेरे सीधे साधे हृदय में आप नहीं बस पाएंगे, आपको
आपको फिर सीधा होना पड़ेगा तो कितना कष्ट होगा। तो आपके साइज के अनुसार मैं अपने हृदय को बना करके रखा हूँ कि एक बार बैठा लूँ तो फिर आप निकल ना पावे। टेढ़े हृदय में टेढ़े कृष्ण रहते हैं। वे जुक्ति निकाले हैं कि कृष्ण को कैसे मैं हृदय में बैठाऊंगा। तो श्री कृष्ण चलते हैं तो मटकीली भाती, और वैसे ही बांसुरी मुरली अधर अधरी लटकत आई है। मुरली अधर पर दल रख करके और झूमते हुए गाते हुए मुस्कुराते हुए चलते हैं। श्री कृष्ण की चाल ऐसी है कि उस पर कौन नहीं मोहित हो जाएगा। इस तरह चलते नाचते हुए चलते हैं। कभी सीधा नहीं चले। द्वारका में जाकर के भले सीधा बैठे होंगे, सीधा चले होंगे, लेकिन ब्रज में ये मटकीली भाती, और उसी प्रकार से सो ही, मतलब उसी प्रकार से अधर पर मुरली रख करके झूमते हुए चलते। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काय, नेह भीनी बतियाए लड़काए बतराए। आप कब अपने आँखों को ढुरा करके मेरे तरफ देख करके और मृदु मुस्काय, हल्की मुस्कान और स्नेह से भीनी बात करते हुए लड़काए बतराई हम। इस प्रकार से गोपीजन प्रार्थना करती हैं भगवान से। श्री गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं, व्यंग करती हैं, उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम में आप फंसे नहीं, धन्य हैं आप, बहुत भाग्य है आपका। कृष्ण के पास रह करके भी इधर ब्रह्म ज्ञान सिखाने आए हैं, योग सिखाने आए हैं, ये कैसे प्रचारक है। अब ब्रह्म दूत हैं कि कृष्ण दूत हैं, इस पर वे कहती हैं पेज नंबर 46 पर। इसके भाव को समझिएगा, शब्द दूसरा है लेकिन भाव बिल्कुल दूसरा है। पद 108 है, एक बार इसका अर्थ कर देता हूँ, गाएंगे दूसरे कोई भक्त। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अति बड़ भागी। उधो जी पर व्यंग कस रही हैं गोपियाँ, उधो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपना दुख देखकर भी कह रहे हैं कि तुम इस दुख में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप प्रेम के तगा से, रस्सी से दूर रहे, आपका मन कृष्ण के अनुराग में नहीं फंसा, बहुत भाग्यशाली है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से कभी टच नहीं हुआ। वैसे ही आप मथुरा में श्याम सुंदर के साथ रहते हैं, उनके मित्र हैं, लेकिन आपका मन कृष्ण के प्रेम में थोड़ा भी सिक्त नहीं हुआ। ज्यो जलमाह तेल की गागर, बूंदन ताके लागे। अगर नदी में तेल की गगरी डुबाई जाए जिसमें चारों तरफ तेल लगा है तो डूबेगा लेकिन उस पर पानी सट नहीं सकता है ना, देखे ना। जल के भीतर भी रहेगा तभी उसमें पानी सटेगा ना, ऐसे आप हैं, धन्य हैं आप। यहाँ आकर के आपको चाहिए था कि हरे कृष्ण का प्रचार करें तो आप आकर के ब्रह्मवाद फैला रहे। हम लोगों के हृदय को भी उससे हटाना चाहते हैं, लेकिन हम तो बहुत बेवकूफ हैं। उनको कह रहे प्रीत नदी में पावन बोरे, दृष्टि रूप परागे।
ना आप प्रेम के नदी में पैर रखे हैं, ना आपका आपका नजर आपका आंख रूप का अनुरागी हुआ, आपकी दृष्टि रूप परागी नहीं हुई, रूप में नहीं फंसी। हम तो इतनी बेवकूफ हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चींटी ज्यो पागी। हम तो ऐसे हैं कि जैसे कोई चींटी गीले गुड़ को खाने को जाए तो उसी में फंस करके मर जाती है, वैसे हम गए। हम तो हमको भी ऐसे ही कृष्ण से रहना चाहिए था, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। गुर चींटी ज्यो पागी, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा पिघले हुए गुर पर चींटी रहते, उसको निकालना पड़ता है, भगाना पड़ता है, मर जाती है, हटाना पड़ता है। हम तो ऐसी अबला है, हम इतनी भोरी हैं कि कृष्ण से इतना प्रेम किया कि उसी में हम फंस गए, जैसे चींटी गुड़ में पक जाती है। हम लोग चींटियों को गुड़ में फंसते हुए चींटी को चींटा को देखे हैं, इसलिए बहुत जल्दी समझ में बात आ रही है। पहले गुड़ का चकरी बनाया जाता था और कोठा पर रख दिया जाता था, बहुत गुड़, और बरसात में वो एक हो जाता था पूरा बिगड़ कर, और उसमें कोई चींटा या चींटी गई तो कुछ तो उसमें फंसी रहती थी, जीवित रहती थी, और उसमें पंख भी फंस गया है, पैर भी फंस गया है, अब निकल। वास्तव में ऐसे कृष्ण में फंसना चाहिए, कोई कितना कुसंगी आवे, कितना भी दूसरे पंथ वाला कितना जोर लगावे, लेकिन न निकल पावे वो चींटी। इसको गाइए चित्तौड़दास, उधो तुम तो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी। Thank you.
इसके ऊपर पद है, इसमें गोपियाँ कहती हैं रुधो इतनी जाए कहो, जा करके मथुरा में श्याम सुंदर से ये बात जरूर कहना कि इस समय वृंदावन में आए, क्योंकि सब चीज बदल गया है। सब बल्लभी कहत हरि सो ये दिन, सब बल्लभी कहत हरि सो ये दिन मधुपुरी रहो। हे श्याम सुंदर, आप इस समय मथुरा ही रहिए, वृंदावन मत आइए, ये जाकर के कहना है, क्योंकि आज काल तुम हूँ देखत हो और तुम भी देख लिए उद्धव कि तपत तरणी समचंद, इस समय चंद्रमा सूरज की तरह तप रहा है, देखे ना, विरहिणी गोपियों को चंद्रमा सूरज की तरह लग रहा है, तीखा प्रकाश वाला। तो आजकल क्या स्थिति है, आजकल तुम्हूँ देखत हो तपत तरणी समचंद, सम शब्द है समचंद, तो सुंदर श्याम परम कोमल तनु क्यों सही है नंद नंद। श्याम सुंदर तो अत्यंत कोमल शरीर वाले हैं, फिर इस ताप को कैसे सहेंगे, अतः यहाँ आने को मना कर दो। मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति वन उपवन चढ़ी बोलत, वृंदावन के इस समय मोर और कोयल जो मधुर बोली बोलने वाले हैं, इस समय इनकी बोली बहुत परुष हो गई है, बहुत कठोर बोल रहे हैं, और वन में उपवन में पेड़ पर चढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है। सिंह ब्रिकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, और जहाँ तहाँ गौवे और बछड़े डोल रहे हैं, तो ऐसे लगते हैं कि सिंह और बाघ तेनुआ सब डोल रहे हैं। गौवे सिंह जैसी खराब लग रही हैं, बाघ जैसी काटने दौड़ती, तो ये गौवे भी बुरी लग रही है। आसन असन बसन विष अहिसम भूषण भवन सिंगा भंडार, आसन जहाँ बैठने का जो जगह है, आसन असन भोजन और बसन कपड़ा, ये सब विष जैसा लग रहा है। आसन असन बसन विष अहिसम भूषण, और भूषण सांप के समान लग रहे हैं। भवन भंडार, और भवन ऐसा लग रहा है कि जैसे भंडार हो, जितना भी खड़ल मड़ल जिसमें रखा गया है, कुछ भवन अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। और जिततित फिरत दुसह दुल्म दुल्म प्रति धनुष लय सतमार, और जहाँ तहाँ वृक्ष पर, प्रत्येक वृक्ष पर कामदेव, सैकड़ों कामदेव अपना धनुष बाण लेकर के घूम रहा है मारने के लिए, वृक्ष बहुत खराब लग रहा है। सत मार का मार माने कामदेव, और सत माने सैकड़ों। तुम तो परम साधु कोमल मन जानत हो सब रीति, तुम तो विद्वान हो साधु हो, ये सब रीति समझते हो, सूर श्याम को क्यों बोलाएं ब्रज बिनटा रे यह ईत। इस प्रकार की ये विपत्ति जो है ब्रज में, इसको जब तक टर नहीं जाती है तब तक वे क्यों आएंगे, यहाँ आना ठीक नहीं है, जाकर के कह देना कि इस समय मधुपुरी में रहे। ऐसे श्री कृष्ण के आते ही सब ठीक स्थिति हो जाएगी, लेकिन अभी गोपियों की भाषा देखे, वो कहते हैं नहीं, इस समय कह दो वहीं रहने के लिए, यहाँ सब बहुत बुरा वातावरण है। इसको भी गाना है, oh।
summer.